नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एच टी सी पी मॉडल और ओ एस आई मॉडल के बारे में पढ़ा था ख़ासकर हमने ओ एस आई मॉडल को ज़्यादा फोकस किया था तो इसमें हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था लेयर्स में कौन से डिवाइसिस यूज यूज़ होते हैं कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी तो आज चलिए देखते हैं वो एस मॉडल के क्वेश्चन को तो आपके समय को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों ओ एस आई मॉडल डेवलप्ड इन भिज ईयर तो हमारा ओ एस आई मॉडल किस साल में आया तो आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है एटी 1990, 1990, 1996 या 1984 तो जो दोस्तों हमारा ओ एस आई मॉडल आया वो हमारा 1984 को आया दोस्तों मैं सीधा ही आंसर आंसर बताता जाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मॉडल इज ओ एस आई जो हमारा ओ एस आई मॉडल है वो किस प्रकार का मॉडल है प्रैक्टिकल मॉडल रियलिस्टिक मॉडल कंसेप्चुअल मॉडल या कंप्लेक्स मॉडल तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है कंसेप्चुअल मॉडल ये फायदा होता है दोस्तों थ्योरी पढ़ने का द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम क्वेश्चन नंबर तीन के ऑप्शन है फ्रेम डाटा या पैकेट तो विड्स आ जाएगा फिजिकल लेयर में डाटा हमारा विट की फॉर्म में जाता है अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लें आगे देखते हैं वेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क सेंड्स अ मैसेज टू अ होस्ट ऑन नेटवर्क वी विच एड्रेस डज राउटर लुक एट तो क्वेश्चन नंबर चार के आपके ऑप्शन है दोस्तों पोर्ट लॉजिकल फिजिकल या सॉकेट तो हमारा लॉजिकल एड्रेस हो जाएगा कई क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो थ्योरी में कंप्लीट नहीं होते और एमसीक्यू में वो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो ये ऐसा ही है आगे देखते हैं इथर्नेट यूज और डैश फिजिकल एड्रेस दैट इज इम्प्रिंटेड ऑन दी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो आपके ऑप्शन है थर्टी टू विट्स सिक्सटी फोर बिट्स वन ट्वेंटी एट बिट्स या सिक्स बिट तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्स बाइट माफ कीजिएगा ये बाइट है बिट नहीं है आगे देखते हैं दी डैश लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लाइन तो आपके ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक या फिजिकल क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन में ही हिंट होती है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का हमारा आंसर हो जाएगा डाटा लिंक तो ऑप्शन नंबर थ्री आगे देखते हैं द डैश लेयर रिस्पॉ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डाटा यूनिट्स फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट विदाउट एरर तो आपके ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक या फिजिकल तो जहां पर भी आती है कि विदाउट एरर तो विदाउट एरर में दोस्तों हमारा क्या हो जाता है डाटा लिंक बिना सोचे समझे आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी पर होगा आपका डाटा लिंक तो डाटा लिंक को क्लिक करना है आ, दोस्तों माफ कीजिएगा जो ये ऊपर का क्वेश्चन है दी डैश लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी जो हमारी सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है जिसे हम एक्नोलेजमेंट भी कहते हैं तो एक्नोलेज uh, एक्नोलेजमेंट हमारा किस में होता है नेटवर्क लेयर में होता है ये थोड़ी सी ये थी इसके लिए असुविधा के लिए खेद चाहूंगा आगे से ऐसी गलती नहीं होगी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है हमारा द डैश लेयर एस्टेब्लिश मेन्टेन एंड सिंक्रोनाइज द इंट्रैक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस ये भी हमने पढ़ रखा है ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर सेशन लेयर या फिजिकल लेयर तो हमारा जो आता है सिंक्रोनाइजेशन ये हमारा किस में आता है दोस्तों सेशन लेयर में आता है आगे देखते हैं द डैश एड्रेस आइडेंटिफाइज अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट तो आपके ऑप्शन है फिजिकल आई पी पोर्ट या स्पेसिफिक तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों पोर्ट अगर पीडीएफ को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप सही करके आएंगे ये मेरी गारंटी है बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर आगे देखते हैं दी डैश एड्रेस ऑल्सो नॉन एज अ लिंक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ अ नोड एज डिफाइंड बाय इट्स लैन और वैन क्वेश्चन नंबर टेन का हमारा जो आंसर हो जाएगा फिजिकल आईपी पोर्ट या स्पेसिफिक में ये हमारा फिजिकल हो जाएगा आप इसे एक बार फिर से पढ़ लें आगे देखते हैं द डैश लेयर इनेबल्स दी यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क तो आपके ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर डाटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर ऑप्शन नंबर टू पर है आगे देखते हैं टी सी पी आई पी नेटवर्क मॉडल कम्स इन विच ईयर जो हमारा टी सी पी आई पी नेटवर्क मॉडल आया दोस्तों वो किस ईयर में आया तो आपके ऑप्शन है 1980, 1970, 1990 या 1960 तो जो हमारा टी सी पी आई पी मॉडल आया वो 1970 में आया 1983 को दोस्तों इसे क्या मिली अर्पन के रूप में स्टैंडर्ड प्राप्त हुआ अर्पन के रूप में मान्यता मिली और 1984 को इसका नाम बदलकर ओ एस मॉडल कर दिया गया आगे देखते हैं अमंग दिस विच इज़ नॉट द लेयर ऑफ टी सी पी आई पी मॉडल तो दोस्तों जो हमारा ओ एस आई मॉडल होता है ओ एस आई मॉडल में हमारी सात लेयर्स होती हैं सात लेयर आप स्वीड टेस्ट नहीं दे पाओगे उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं बाकी जो हमारा टी सी पी आई पी मॉडल होता है दोस्तों टी सी पी आई पी मॉडल में हमारी पाँच लेयर्स होती हैं और इसमें कौन सी दो लेयर नहीं होती आप सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर एस पी से याद रख सकें आप याद रख सकते हैं आगे भी कंसेप्ट आएगा वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा दो लेयर इसमें नहीं होती सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर तो आपके ऑप्शन में नेटवर्क लेयर है ये होती है इंटरनेट लेयर ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी होती है इंटरनेट लेयर भी होती है सेशन लेयर नहीं होती है ना तो आगे देखते हैं टी सी प्रोटोकॉल वॉज डिज़ाइंड बाय तो जो हमारा टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल है दोस्तों वो डिज़ाइन किया किसने किया विंड सर्फ वोब खान वोथ ऑफ दीज या टीम बर्नर दी तो जो हमारे विंड सर्फ और वोब खान है दोस्तों इन दोनों ने ही टी सी पी आई पी मॉडल को डिज़ाइन किया था डरपा में काम करते थे वोथ ऑफ दीज हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीन आगे देखते हैं विच वेव्स आर यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एच दो बिटवीन अ पी सी एंड अ पेरीफरल डिवाइस तो आपके ऑप्शन है रेडियो वेव माइक्रोवेव फाइबर वेब्स या इन्फ्रा रेड वेव्स तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्फ्रा रेड वेव्स होती है हमारे शॉर्ट कम्युनिकेशन के लिए आगे देखते हैं अमोंग दिज नेम दी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल तो इनमें से कौन सा आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है आपके ऑप्शन है यू डी पी बोथ या आई तो जो हमारा दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है आपने थ्योरी में भी पढ़ा है हमारा टी है और जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें हमें एक्नोलेजमेंट मिलती है एक्नोलेजमेंट मिलती है दोस्तों तो क्या होता है ये रिलाएबल होता है आई होप क्लियर हो गया होगा आगे देखते हैं अमोंग दीज नेम दी कोनेक्शन लेस प्रोटोकॉल तो हमारा इनमें से कोनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों टीसीपी नहीं टी नहीं है यू हमारा कोनेक्शन लेस है आई हमारा कोनेक्शन लेस है बोथ ऑफ दीज हो जाएगा मतलब यू और आई हमारे कोनेक्शन लेस है तो बोथ टू एंड थ्री हमारा सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं वट इज मेन एडवांटेज ऑफ यू तो यू की मुख्य जो है विशेषताएं कौन सी है मोर ओवरलोड नहीं रिलायबल बिल्कुल नहीं लो ओवरलोड तो बिल्कुल होगा ही नहीं फास्ट बिल्कुल ये फास्ट है अगर पूछा जाए कि डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूडीवी तो ये क्या है रिलायबल नहीं है आगे देखते हैं पोर्ट नंबर ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हमारा एच टी टी पी है आगे पोर्ट नंबर भी पढ़ेंगे दोस्तों आप चिंता ना कीजिए तो जो हमारा एच टी टी पी का प्रोटोकॉल होता है वो होता है हमारा अस्सी आगे देखते हैं पोर्ट नंबर ऑफ एफ टी पी एफ टी पी की फुल फॉर्म होती है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इसका जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा ट्वेंटी वन पोर्ट नंबर ऑफ डायनामिक होस्ट कन्फ्यू कन्फिग्यूरेशन प्रोटोकॉल डी एच सी पी की फुल फॉर्म होती है हमारी डायनामिक होस्ट कन्फ्यूगुरेशन प्रोटोकॉल तो इसका जो हमारा पोर्ट नंबर होता है डी एच सी बी का वो होता है दोस्तों सिक्सटी सेवन ऑप्शन नंबर पर दो पर है आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस तो दोस्तों कई बार हमने पीछे मॉक टेस्ट में भी डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है या रिमोट टर्मिनल आप रिमोट से ही याद रख सकते हैं वो होता है हमारा टेल नेट तो मैंने समझा भी लिया था कि क्या होता है कि मैं यहीं से बैठ आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा हूँ दैट इज़ टेलनेट आगे देखते हैं दी एप्लीकेशन लेयर ऑफ दी ओ एस आई मॉडल इज जो हमारी दोस्तों एप्लीकेशन लेयर है वो हमारे ओ एस आई मॉडल की कितने नंबर की लेयर हैं <coughs> तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहली लेयर हमारी फ़िजिकल लेयर होती है उसके बाद डाटा लिंक लेयर होती है तो उसी तरह हमारी सातवें नंबर पर हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है तो सैव नंबर पर होगा अप्रोच बॉटम टू टॉप रहती है काम करना हमारा एप्लीकेशन लेयर से शुरू होता है लेकिन हम काउंट फिज़िकल लेयर से करते हैं तो सातवां यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आगे देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एस एस एल तो जो हमारी एस एस एल की फुल फॉर्म है दोस्तों वो क्या है तो एस एस एल की फुल फॉर्म स्क्योर स्टेशन लेयर स्क्योर्ड सेशन सेशन स्क्योर लेयर या लेर तो एस एस एल की फुल फॉर्म हमारी स्क्योर सॉकेट लेयर हो जाती है आगे देखते हैं ब्रिज वर्क इन डैश लेयर तो दोस्तों ये तो काफी बार हमने डिस्कस कर लिया है कॉमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताओ कि ब्रिज जो है हमारा कौन सी लेयर में काम करता है आगे देखते हैं विच इज़ अ रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम तो देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ये रहे लैन वैन आई एस ओ मॉडल या ओ एस आई मॉडल तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ओ एस आई मॉडल हो जाएगा आगे देखते हैं हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन ओ एस आई मॉडल तो जो हमारा ओ एस आई मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं बिल्कुल गलत जवाब आपने दिया पाँच पाँच नहीं होती ओ एस आई मॉडल में हमारी सात होती हैं और टी सी पी आई पी में हमारी पाँच होती हैं आगे देखते हैं दोस्तों राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओ एस आई रेफरेंस मॉडल जो हमारा राउटर होता है वो ओ एस आई मॉडल की किस लेयर में होता है तो आपके ऑप्शन है दोस्तों लेयर वन लेयर थ्री लेयर फोर या लेयर सेवन जो हमारे लेयर वन होती है दोस्तों उसका क्या नाम है फिजिकल लेयर क्या नाम है फिजिकल लेयर जो हमारे लेयर थ्री है दोस्तों फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क नेटवर्क लेयर हमारी तीसरी हो जाती है फोर्थ की दिल बात करें तो फोर्थ हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाती है और पांचवी हम आप कीजिएगा सातवीं हमारी एप्लीकेशन लेयर हो जाती है तो जो हमारा राउटर होता है वो हमारा किस में होता है नेटवर्क लेयर में हो जाता है मतलब लेयर तीन में हो जाता है आई होप क्लियर हो गया होगा आगे देखते हैं हाउ मैनी लेयर्स आर इन टी सी पी आई पी मॉडल जो हमारी टी सी पी आई आई पी मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया पाँच लेयर हमारी होती हैं आगे देखते हैं दोस्तों रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ दी ओ एस आई मॉडल जो हमारा रिपीटर होता है वो हमारा ओ एस आई मॉडल की किस लेयर में होता है तो आपके ऑप्शन है फिजिकल लेयर डी एल एल यानी डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर जितने भी जैसा मैंने कहा था कि जितने भी हमारे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम हाथ से टच कर सकते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं फिजिकल में तो रिपीटर को हम हाथ से टच कर सकते हैं तो फिजिकल लेयर सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन को मैक एड्रेस इज़ दी एग्जांपल ऑफ जो हमारा मैक एड्रेस है वो किसका एग्जांपल होता है तो जैसा कि मैंने कहा था कि डाटा लिंक लेयर में हमारी दो सब लेयर होती हैं एलएलसी एल लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक तो डीएलएल यानी डाटा लिंक लेयर हमारा सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बिल्कुल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है बिल्कुल ठीक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री बिल्कुल सही तो ऑल ऑफ दीज ए टी का मतलब हमारा ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज हमारे जो है एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ आर डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर तो इनमें से कौन सा जो है हमारा ट्रांस माफ कीजिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है एफ टी पी एस एम टी पी यू डी पी या एच टी टी पी तो जो हमारा यू डी पी होता है दोस्तों यू डी पी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है बाकी हमारे एप्लीकेशन लेयर में होते हैं आगे देखते हैं दिस इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल तो इनमें से कौन सा है? हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है एच बिल्कुल है एस बिल्कुल है एफ बिल्कुल है टी नहीं है दोस्तों तो आगे देखते हैं इन दी ओ एस आई मॉडल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ बिच लेयर तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन या कंप्रेशन जो हमारा किस लेयर में होता है तो आपके ऑप्शन रहे ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या एप्लीकेशन लेयर तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर <coughs> तो मार्केटिंग कर लेते हैं दोस्तों दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियो का पी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके पी पा सकते हैं अगर किसी कारणवश जो है पी डी एफ हम लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आपको पी मिल जाएंगे बाकी हमारे साथ आपके अनुभव को कॉमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा तो होगी मार्केटिंग दोस्तों आगे देखते हैं थर्टी है हमारा बू डेवलप्ड स्टैंडर्ड फॉर दी ओ एस आई रेफरेंस मॉडल तो जो हमारे ओ एस आई मॉडल को रेफरेंस जो हमारा मॉडल है ओ एस आई मॉडल उसको स्टैंडर्ड किसने दिया <coughs> तो ओ एस आई मॉडल को स्टैंडर्ड हमारा ऑप्शन आपके हैं एन एस आई आई ट्रिप्पली आई एस ओ या बी सी डी तो इसको स्टैंडर्ड हमारा बिल्कुल डेवलप्ड भी किया और स्टैंडर्ड भी दिया आई एस ओ ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन थ्यूरी में हमने पढ़ रखा है इन एन ओ एस आई मॉडल दैश लेयर तो ओ एस आई मॉडल में जो हमारी पहली लेयर होती है उसका क्या नाम है तो बिल्कुल सही जब आप बिना सोचे समझे फिजिकल लेयर को आप सही करके आए ऑप्शन नंबर डी पर होगा है ना विच इज दर ऑफ दी ओ एस आई रेफरेंस मॉडल दैट इंप्लॉयज एरर डिटेक्शन तो जो जहां पर भी बात दोस्तों मैंने कहा है कि एरर की बात आएगी तो या तो मैक एड्रेस मैक एड्रेस हमारा कहां पर होता है डीएलएल डाटा लिंक में होता तो बिना सोचे समझे आपको डीएलएल ऑप्शन नंबर दो पर आपका होगा टिक लगाकर आना है आई होप क्लियर हो गया होगा आगे देखते हैं इन ओ एस आई मॉडल डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देखिए दोस्तों मैंने कहा है ना कि क्वेश्चन में ही आपकी हिंट होती है हालांकि आपने मैनेजमेंट जो है टोकन मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया लेकिन डायलॉग कंट्रोल तो पढ़ाया है है ना डायलॉग कंट्रोल पढ़ाया तो आपको पता है कि डायलॉग कंट्रोल तो हमारा सेशन लेयर में होता है तो सेशन लेयर ऑप्शन पर है तो बिल्कुल लगा दीजिए सेशन लेयर है ना सोचना किस बात का ऑप्शन क्वेश्चन में ही हिंट होती है आगे देखते हैं डैश इज ऑपरेट्स इन ऑल सेवन लेयर ऑफ ओ मॉडल जैसा मैंने कहा था कि दोस्तों जो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट गेट होता है वो हमारा बाई डिफॉल्ट सातों की सातों लेयर में होता है है ना बाई डिफॉल्ट की बात करें तो सातों लेयर में नहीं तो ऊपर की चार लेयर में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन या ट्रांसपोर्ट में नेटवर्क में हमारा राउटर होता है ब्रिज हमारा डाटा लिंक में होता है रिपीटर वगैरह हमारे ये काम पे होता है फिजिकल में होता है clear हो गया होगा, आगे देखते हैं दी फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेर इंक्लूड तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू दोस्तों आपका है दी फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेर इंक्लूड तो आपके ऑप्शन है डाटा कंप्रेशन डाटा इंक्रिप्शन डाटा डिक्रिप्शन या ए टी एटी मतलब

टोपोलॉजी कम्स अंडर विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल तो बिल्कुल सही जहाँ पर टोपोलॉजी होता है हमारा फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर तो कंप्यूटर को हाथ से टच कर सकते हैं जिन भी चीज़ों को हाथ से टच कर सकते हैं वो हमारा होता है फिजिकल लेयर में आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर्स डील्स विद विच टाइप ऑफ एड्रेस जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किस प्रकार के एड्रेस के साथ डील करती है लॉजिकल फिजिकल पोर्ट या एप्लीकेशन तो पोर्ट एड्रेस के साथ सही आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो के आपके है, दोस्तों फिजिकल लेटा लिंक इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर आगे देखते हैं दी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश लेयर जो हमारी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है वो किस layer की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर तो ट्रांसपोर्ट लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आई होप क्लियर आगे देखते हैं द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेट क्लोसेट टू द ट्रांसमिशन मीडियम तो आपके ऑप्शन है फिजिकल डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक पर है फिजिकल लेयर आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड सेशन लेयर तो कौन सी लेयर जो है हमारी नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में होती है इसके लिए आपको ट्रिक काम आएगी जैसे कि आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे तो हो गई हमारी सात लेयर्स तो ऑप्शन देख लेते हैं अब आपके है ना फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर लेयर ट्रांसपोर्ट या एप्लीकेशन लेयर तो क्वेश्चन में पूछा गया नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में ये हमारी नेटवर्क लेयर या हमारी सेशन सेशन लेर तो इन दोनों के बीच में कौन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर तो देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर आपका ऑप्शन में है बिल्कुल सही तो ऑप्शन नंबर तीन पर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है बिल्कुल सही हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर आगे देखते हैं विच ऑफ़ दी फॉलोइंग लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल ऑल्सो कॉल्ड एन टू एंड लेयर एन टू एंड लेयर के नाम से किस लेयर को कहा जाता है आपके ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर नेटवर्क लेयर सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हमारा एन टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस भी कहा जाता है आगे देखते हैं सी एस एम या सी ए ऑपरेट्स इन दिच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल ये आपको नहीं बताया था ये एम में ही क्लियर हो जाएगा जो हमारा सी एस और सी ए ऑपरेट्स इन बिच लेयर तो ये किस लेयर में होते हैं तो आपके ऑप्शन है फिजिकल लेयर डाटा लिंक लेयर, या नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर जो हमारे ये होते हैं ये होते हैं हमारे डाटा लिंक लेयर में तो जो हमारी सी एस में और सी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन अवॉइडेंस तो सी एस एम ए की फॉर्म की बात करें तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा सी ए की बात करें तो कॉलिजन अवॉइडेंस हो जाएगा इसी के साथ हमारा जो है वो एस आई मॉडल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं जैसे कि इससे पहले हमने नेटवर्किंग का ओ एस आई मॉडल पढ़ा तो अब हम नेटवि नेटवर्किंग का टी सी मॉडल पढ़ेंगे दो मॉडल हमने कहा था कि शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो बिना समय को बर्बाद करते हुए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा देखें जो हमारा टी सी मॉडल होता है दोस्तों उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा होता है हमारा टीसीपी होता है और कनेक्शन लेस कौन सा होता है हमारा आईपी होता है ये हमने पीछे भी पढ़ा है तो ये भी पढ़ रखा कि है कि डेवलप्ड इन 1970 में डेवलप्ड हुआ स्टैंडर्ड अर्पा नेट के रूप में 1983 को हुआ जो ओ मॉडल को डेवलप्ड किया है वो किया है आई ने और टी सी मॉडल को डेवलप किया है यूएस DOD जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था बाकी डेवलपर कौन थे विंड सर्फर बोब खान जो भी है हमारे विंड सर्फर बोब कहान काहन हो जाएगा ये हमारे कहाँ काम करते थे दोस्तों डरपा में काम करते थे आगे देखते हैं कि लेयर्स टी सी पी आई पी मॉडल में पांच लेयर होती हैं और एस आई मॉडल में हमारी सात लेयर होती है तो इसमें दो लेयर कम कौन कौन सी होती है एस पी सेशन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर तो चलिए बढ़ते हैं एम सी क्यू की सूट टीसीपीआई क्रिएटेड बाय ने तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आगे का है इज रिलेटेड टू हमारा रिलेटेड रिलेट करता है किससे रिलेटेड है आई एसओसआई से अर्पानेट से डी सेंट से या ऑल ऑफ दिस से तो बिल्कुल सही हो जाएगा अर्पानेट से आगे आगे देखते देखते हैं 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 मॉडल मॉडल तो में हमारी हमारी कितनी शाबाश पांच पर N नहीं होगा असुविधा के लिए माफी जाऊंगा टीसीपी आई पी मॉडल एडोप्टिड एज प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड फॉर अर्पानेट इन विच ईयर तो किस ईयर में इससे अर्पानेट के रूप में मान्यता मिली दोस्तों तो 1983 को मान्यता मिली आगे देखते हैं सी पी आई पी मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट ओ एस आई मॉडल लेयर. तो कौन सी लेयर नहीं है ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन सेशन या नेटवर्क लेयर जैसे मैंने कहा था कि एस पी तो हमारा यहाँ पर एस सेशन लेयर नहीं होती है टी सी पी आई पी मॉडल में आगे देखते हैं टी सी पी आई पी मॉडल वॉज डेवलप्ड डैश दी ओ एस आई मॉडल प्रायोर टू आफ्टर टू टीसीपी आई पी मॉडल हमारा ओ एस आई मॉडल डेवलप्ड हुआ बाद में हुआ या साथ साथ में हुआ तो बिल्कुल सही हमारा यह क्या हुआ पहले हुआ था प्रायर टू तो आगे देखते हैं नेम द फर्स्ट लेयर ऑफ टी सी पी आई पी मॉडल तो टीसीपी आई पी मॉडल की पहली लेयर कौन सी है तो आप कहेंगे कि आपने तो बोल पढ़ाया ही नहीं कि कौन सी लेर्स्ट लेयर होती है तो दोस्तों जो हमारी ओ एस आई मॉडल में जिस तरह से लेयर का काम होता है वही हमारा टी सी पी आई पी मॉडल में भी लेयर का वही काम होता है तो पहली लेयर हमारी बिना सोचे समझे फिजिकल लेयर हो जाएगी आगे देखते हैं टी सी पी आई पी नेटवर्क लेयर वॉज डिजाइन बाय ओ एस आई साइंटिस्ट आई ए एन ए साइंटिस्ट माइक्रोसॉफ्ट साइंटिस्ट या डरपा साइंटिस्ट तो बिल्कुल सही हो जाएगा डरपा साइंटिस्ट जो हमारे विंडसर और वो कहन थे वो भी इसी में वर्क करते थे डरपा में काम करते थे आगे देखते हैं TCP पैकेट इज कॉल्ड जो हमारे टी के पैकेट उसे क्या कहते हैं यूजर डाटाग्राम सीगमेंट डाटा सीगमेंट डाटाग्राम या नन नवतीज जो हमारे टी पैकेट है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है सीगमेंट कहा जाता है आगे देखते हैं यू पैकेट इज कोल्ड जो हमारे यू के पैकेट होते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसके कहते हैं हम यूजर डाटाग्राम या डाटाग्राम आगे देखते हैं और टी पैकेट इज इन इन डैश तो आपके ऑप्शन है डाटा लिंक फ्रेम आई पी डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर बोथ वन एंड थ्री तो जो हमारा टी सी पी होता है ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आई पी टी सी पी पैकेट इज इन कैप इन इनकेपीस्यूलेट विद आई पी डाटाग्राम आगे देखते हैं और यू डी पी पैकेट इज इन इन कैप्यूसुलेटेड इन डैश तो जो हमारे यू डी पी होते हैं वो भी हमारे डाटा डाटा ग्राम के साथ ही होते हैं ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा तो आगे देखते हैं दोस्तों जैसा कि बार बार हम बात कर रहे थे आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड की ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूं तो जो है आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड दोस्तों बहुत सारे हैं बहुत सारे सौ के हिसाब से हैं लेकिन कुछ यहाँ पर चुनिंदा हैं जो कि पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में और बार बार पूछे जाते हैं तो सबसे पहले चलिए आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म देख लेते हैं आई ट्रिपल ई की फुल फॉर्म होती है हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आई त्रिपली का पर्पस क्या है पर्पज इसका है दोस्तों फास्टर टेक्नोलॉजी और बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी आगे देखते हैं आई त्रिपली स्टैंडर्ड जो हमारा आई त्रिपली आठ सौ दो दशमलव एक होता है वो किसका होता है दोस्तों लैन का प्रो लैन का स्टैंडर्ड होता है लैन प्रोटोकॉल का आठ सौ दो दशमलव दो की बात करें तो आप इस तरीके से याद रखिए कि दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी लेयर होती है एल एल सी लॉजिक लिंक कंट्रोल मतलब डाटा लिंक कंट्रोल होता है डाटा लिंक कंट्रोल की हमारी दो लेयर होते हैं जिसमें एल एल सी भी एक है इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं बाकी आठ सौ दो पॉइंट तीन ये हम बार बार आपको पढ़वा ही रहे हैं रटवा रहे हैं तो आठ सौ दो दशमलव तीन हमारी थर्नेट की हो जाती है आप इस तरीके से याद रख सकते हो आठ सौ दो दशमलव चार को कि बस में कितने टायर होते हैं होते तो बहुत है लेकिन गाड़ी में टायर कितने होते हैं चार टायर होते हैं तो टोकन बस बस में चार टायर हैं बाकी बात करें कि आठ सौ दो दशमलव पाँच को किस तरीके से याद रखें आठ सौ दो दशमलव पाँच को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे कि आ, टोकन रिंग पाँच उंगलिया पाँच है ना रिंग हमारी पाँच है तो पाँच रिंग चाहिए हमें टोकन रिंग तो आठ सौ दो दशमलव पाँच हमारा तो कनरिंग हो जाता है बाकी आठ सौ दस मतलब छः को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे छः को बोलते हैं हम सिक्स तो सिक्स कौन मारता है मैन मारता है है ना आगे देखते हैं आठ सौ दो दशमलव ग्यारह जो हमारा आठ सौ दो दशमलव एक एक होता है वो हमारा डब्ल्यू लैन होता है डब्ल्यू लैन हमारा लैन प्लस लैन से बनता है दोस्तों और इसे हम वाई फाई भी कहते हैं डब्ल्यू लैन को हम वाई फाई भी कहते हैं ये आपको याद रखना होगा जो आठ सौ दो दशमलव एक चार है वो हमारा मॉडर्न केबल्स के लिए है और आठ सौ दो दशमलव एक पाँच जो है पंद्रह रुपये की पान आपकी मिलती है कभी खाइएगा पान पंद्रह रुपये की आठ सौ हमारा ब्लूटूथ का होता है ये भी इंपॉर्टेंट है आठ हमारा बाईमैक्स का होता है अगर बात करें बाईमैक्स की फुल फॉर्म की तो वो होती है हमारी वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कंटेंट की कमी नहीं है कंटेंट भरपूर मात्रा में आपको प्रदान किया गया है अभी हमारा नेटवर्किंग कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी बननी है फिर बहुत कुछ आगे हमें नेटवर्किंग में अभी पढ़ना है दो तीन वीडियो के अंदर हम हमारी ये रहेगी कोशिश की हम वीडियो को नेटवर्किंग को ख़त्म कर दें नेटवर्किंग को ख़त्म करने के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे सी एस एस बाकी एच टी एम एल को जितना हो सके दोस्तों पढ़िएगा रिवीजन कीजिएगा एच टी एम एल का इसी कामना के साथ पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए जय हिंद जय भारत